दोस्तों, बिग बॉस सीजन 13 अपनी हदें पार कर रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, लड़ाई में, टीआरपी में, गाली गलौज में या फिर धक्का मुक्की में, हर चीज़ में ये शो काफ़ी आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब शुक्रवार के ही एपिसोड में कुछ ऐसी बात हुई कि छोटी सी बात को इतना गलत बताकर ऐसे सामने लाया गया कि आरती काफ़ी ज़्यादा बह गई और रोने लगी थी। दरअसल कई सप्ताह से आरती को फिक्स्ड डिपॉजिट कहा जा रहा है सिद्धार्थ शुक्ला की। अब फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या है, अब ये बात आरती नहीं जानती थी। जब सैफ अली जरीवाला ने उनको इस बात का क्लियर किया तो बेहद ही गंदे तरीके से, और उन्होंने फिक्स डिपॉजिट का मतलब कुछ अलग ही बता दिया, जिसपे सिद्धार्थ भी खफा हो गए और आरती सिंह भी। ये फिक्स डिपॉजिट वर्ड कहाँ से आया, उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि अरहान और रश्मि ने आरती के लिए ये वर्ड यूज़ किया है और अब इस वर्ड को आसिम और शहनाज खींच रहे हैं। दरअसल जो फिक्स डिपॉजिट का जो मतलब है दोस्तों, वो काफ़ी सिंपल सा है और ये कहा गया है बहुत ही सिंपल तरीके से, सार्कास्म के वे में। ये बात सलमान खान भी भली भांति जानते हैं। जब सलमान खान के सामने आरती सिंह ये सवाल उठाएगी कि फिक्स डिपॉजिट क्या है सर, और मुझे ऐसी ऐसी बातें कही गई है, तो सलमान सैफ अली जरीवाला की ही क्लास लगाने वाले हैं। सलमान कहेंगे, सैफ अली ने जिस प्रकार से इस वर्ड की डेफिनेशन दी है वो वाकई में गलत है और ये आग लगाने वाली ही हरकत थी। रश्मि अरहान ने कभी भी इस प्रकार की बात आरती सिंह के लिए नहीं की, ना ही शहनाज गिल और ना ही आसिम रियाज ने। आरती, आप यहाँ पर पूरे तरीके से गलत हो कि आप सैफ अली जरीवाला की बातों में आई हो, उन्होंने ये बिल्कुल ही गलत कहा। और सैफ अली को सलमान खान फटकार लगाते हुए कहेंगे कि अगर फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये है तो आपकी एजुकेशन बहुत ही गंदे लेवल पर हुई है, कृपया आप इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। दोस्तों, आपको कैसा लगा सलमान खान का रिएक्शन फिक्स डिपॉजिट वर्ड पर, कमेंट बॉक्स बताएं और सब्सक्राइब करें दोस्तों खेलो खेलो और भी खबर जानने के लिए।